आज का सबसे आम और खास सवाल गाउट यानी गठिया क्या है किन कारणों से गठिया होता है गठिया का प्रकॉशन कैसे किया जाता है इसमें यूज होने वाले मेडिसिन कौन कौन सा है और इसका इफेक्ट शरीर पर क्या होता है इन तमाम सवालों के साथ हाजिर आया हूँ तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे पूरे वीडियो के साथ सब्सक्राइब टू माई चैनल प्रेस द बेल आइकन ऑन दूट्यूबर मे ब्लड में यूरिक एसिड के अधिक हो जाने और जोड़ों में सोडियम यूरेट के जमा होने के कारण जोड़ों में खासतौर पर पैर के अंगूठों अंगुलियों में सूजन हो जाता है जिसमें बहुत तेज दर्द होता है जो अधिकतर रात में शुरू होता है ऐसा रोग अक्सर पुराने शराबियों में देखने को मिलता है लेकिन किसी में भी हो सकता है रोग होने का क्या क्या वजह है यह एक जेनेटिक रोग है जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है पेशाब लाने वाली औषधियाँ जैसे फ्रिसेमाइड और थैडिजीन दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहने से गठिया रोग हो जाता है ब्लड में हिमेटोलॉजिकल विकार पैदा हो जाए जैसे ल्यूकेमिया और पोलिसिस्थेमिया इससे भी गठिया हो जाता है कभी कभी इंजूरी या मेहनत करने के बाद किसी बैक्टेरियो का इन्फेक्शन से गठिया हो जाता है रोग की पहचान कैसे करेंगे प्रभावित जोड़ सूझ जाता है और रोगी उस पर हाथ भी नहीं लगाने देता इफेक्ट ज्वाइंट की स्कीन और लालापन हो जाती है रोगी की पसीने से खटास जैसी स्मेल आने लगती है स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है जमीन पर पेशाब सूख जाने पर वहां ऐसी तलछट जम जाती है मानो लाल ईंट पिस कर वहां डाल दी गई हो रोग बरसों तक बना रहता है एक बात याद रखने की है कि जोड़ों को चिकना बनाए रखने का काम साइनोबियल फ्लूड करता है यदि किसी कारणवश जोड़ों के बीच की चिकनाई खत्म हो जाती है या खत्म होने लगती है तो इस स्थिति में जोड़ों की मूवमेंट में डिस्टर्ब होने लगता है और उसको भी गठिया हो जाता है तो लाया हूँ सबसे बेस्ट मेडिसिन नाम है कोल्चीसिन यह गठिया रोधी मेडिसिन है जोड़ों की सूजन में तुरंत लाभ पहुँचाती है लेकिन यह ब्लड में यूरिक एसिड के स्तर को प्रभावित नहीं करती यह जोड़ों में सी के द्वारा लैक्टिक एसिड का उत्पादन कम कर देती है इस प्रकार यूरिक एसिड जोड़ों में निक्षेपित ही नहीं होता जिससे गठिया के सारे सिम्टम कंट्रोल हो जाते हैं और दूसरा मेडिसिन है प्रोबेनेसिड यह मेडिसिन किडनी के जरिए यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है यानी इस मेडिसिन का प्रयोग कुछ दिनों तक करने से पूरी तरह से यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकल जाती है यह दोनों मेडिसिन कुछ दिनों तक चलाने से मरीज को जड़ से ठीक होते देखा गया है इसके साथ में एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग भी चलाया जाता है जैसे प्रेडनी और मेथिल प्रेडनी